समर्थ कौशिक है और आप लोग मुझे प्यार से गोस्टर बुला सकते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है क्योंकि एक तो मैम मेरी है, मुझे पढ़ाया नहीं गया नहीं भूल जाओ मैम नहीं और दूसरा इतनी 12th के रिजल्ट में नहीं फटी थी जब मैं एक कंपार्टमेंट से पास हुआ था जितनी आज फट रही है मेरी। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था मैं। तो अब 12th के रिजल्ट की बात हुई है तो मेरा एक दोस्त था अनिल, मैं उसी का एक किस्सा बताना चाहूँगा यहाँ पर। उसके पापा क्या थे, चाहे वो फेल हो या पास हो उसके पापा उसे पैसे देते थे दावत पर। तो घर गया अपने, वो फेल हो गया 12th में, वो घर गया उसने पापा को बताया अपने, मैं फेल हो गया। अब उसके पापा ने उसे 500 की पत्ती निकाल के दी नुजाइश के लिए। अब हमारी यहाँ बैठ के किलस रही कि यार हम पास हो गए, हमारे पापा ने हमें जब नहीं दी, इसके पापा ने इसे फेल होने पर दे दी। अब उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, हमारे वहाँ पे चाउमीन वाला है, उसका नाम भी अनिल है। तो हम गए, अनिल भाई ने बोला उसे नू 3 चाउमीन लगा दो। अनिल भाई डिप्रेशन के शिकार तो हो ही गए थे फेल होने के बाद। अब उन्होंने वहाँ पे वो जो चाउमीन वाला था उसने बोला ना अनिल भाई कोई दिक्कत हो गई है क्या, बड़े मूड ऑफ से लग रहे हो। तो बोलता है कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू चाउमीन लगा दे। अब उसकी मैं फिर दर्द उठे, उन्होंने फिर पूछ लिया कोई दिक्कत है क्या, तो बहुत मूड ऑफ लग रहा है। अनिल भाई ने फिर आराम से जवाब दिया ना कोई नहीं हुआ। उसने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने एक और बार पूछ लिया उनसे। अब अनिल भाई उठे, उन्होंने उसका ठेला लिया और 360 पलट दिया। अब जमीन और ठेले के बीच में बर्गर दबे हुए हैं, मैं बर्गर पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं खाऊंगा क्या यहाँ पर। अब उसके बाद अनिल भाई ये सब करके निकल गए, मैं देख रहा हूँ नीचे यार ये तो सब गिर गया, खाएंगे क्या हम। और जो चाउमीन वाला था वो वहाँ पे नीचे मत्थे पे हाथ धर के बैठा हुआ, नहीं यार मेरा सब बर्बाद कर दिया। मैं जाकर उससे धीरे से कान में बोला, मैंने कि कल्ली बकचोदी। अब एक बात तुम खुद सोचो ना, अनिल भाई के बाप इतने अच्छे, सोचो उनके रिश्तेदार कैसे होंगे। अनिल भाई अपने रिश्तेदार बिल्कुल अपोजिट, अनिल भाई अपने रिश्तेदारों के लिए एक रसियन थे। तो और जो उनके रिश्तेदार थे वो थे उनके लिए पूरे यूक्रेन वाले। जिनके दिल में अनिल भाई ने बिल्कुल तालिबान की तरह तबाही मचा रखी। अब उसके बाद अनिल भाई, अच्छा रिश्तेदार क्या थे उनके, पूरा उनको टॉर्चर करने वाले, उनको कुछ भी हो जाए चाहे उनकी जॉब नहीं रही कुछ नहीं हुआ, पूरा टॉर्चर करते थे, डिप्रेशन में पूरा डाल के रखते थे। आज तक कभी वो डिप्रेशन से उभर नहीं पाए, आज भी वो डिप्रेशन में पड़े हैं। अब उनके रिश्तेदारों को तो मारो मारो गोली, उम्मीद तालिबान जैसी जुबान क्यों। खैर छोड़ो, मेरे रिश्तेदारों पे आ जाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो है सारे रिश्तेदार बुरे होते हैं, रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं लेकिन मेरे बुरे हैं। अब जो मेरे रिश्तेदार हैं वो जिनकी मौत है खड़ा बाल जो, और वो भी मजबूत वाला जो हल्के से इलाके के साथ ही दर्द कर रहा था। बच के वैसे मैंने सब कुछ हटा दिया, और मैं चली जाती हूँ कैरी ऑन। मैंने सब हटा दिया अभी तुरंत हटा दिया। उसकी जान निकल गई। मैं वैसे सच में जब आप मैंने यहाँ से एंट्री लेते हुए देखा था ना, मैं वहाँ पे बैठा ये बोला था यार मैं कैसे बोलूँ, मैं तो सब खत्म हो गया। मैं वहाँ पे बैठा, मेरे असल में क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले मैं कॉलेज का हम सारे दोस्त 6-7 जने पिक्चर देखने चले गए, वहाँ किसी रिश्तेदार ने देख लिया मैम, उसमें लड़कियाँ भी थी। अब उसने घर फ़ोन कर दिया, चलो फ़ोन कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सच तो बता था, बोला सिर्फ एक लड़की के संग घूम रहा। अब घर जाके हमारी पड़ रही, वो तो अपने बच्चों से करके निकल गया। अंत में बिल्कुल एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने घर के सबसे बड़े बेटे हो ना तो तुम्हारी सबसे ज्यादा मारी जाएगी। अगर तुमसे छोटा कोई कजन तुम्हारा नौकरी लगा ली उन्होंने तुमसे पहले, यानी कि तुम हो बेरोजगार ठलुए नल्ले भभूति नारायण मिश्रा से भी गिरे हुए,
और वो तुमसे पहले तिवारी सेठ अगर बन गया तो तुमने जो है सीधा सीधा यमराज की भैंस को निमंत्रण दे दिया कि आगे मेरे पीछे सींग घुसा और ले जा मुझे। बढ़िया बढ़िया, तालियां तालियां। बस आज आज की अदालत में इतना ही था। और मेरा नाम, मैं तो मेरा एक यूट्यूब पे चैनल भी है गोस्ट नाम से, तो आप लोग सर्च करें, सबसे पहले मैं ही आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे रिश्तेदार परेशान करेंगे।